खरगोन जिले की बड़वा कस्बा ग्राम पंचायत के सरपंच पति के खिलाफ कंप्यूटर ऑपरेटर युवती ने छेड़खानी के सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। एसपी कार्यालय पहुंची युवती की शिकायत पर बड़वा थाने में छेड़खानी की एफआईआर दर्ज हो गई है। खरगोन पहुंचे युवती, उसकी मां और उप सरपंच ने बड़वा थाने में शिकायत दर्ज नहीं करने के भी आरोप लगाए हैं। इधर दूसरी पक्ष सरपंच पति ने भी षड्यंत्र पूर्वक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की पुलिस में शिकायत की है। पंचायत में अस्थायी नौकरी पर कार्यरत युवती को नौकरी से हटाने पर युवती ने हाथ की नस काटकर सुसाइड का भी प्रयास किया था। खरगोन पहुंची कंप्यूटर ऑपरेटर युवती ने मीडिया को बताया कि पिछले 3 वर्षों से पंचायत में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्य कर रही हूं। 25 फरवरी को पंचायत कार्यालय में काम कर रही थी, उस दौरान सरपंच चेतना के पति राजेश पाटीदार आए और पंचायत बंद करने का बोलने लगे। इस दौरान कंप्यूटर सिस्टम बंद कर रही थी, खुद अपने आप को छुड़ाकर पंचायत से बाहर आई। युवती ने बताया कि इतनी घबरा गई थी कि डिप्रेशन में दोनों हाथ की नस काट ली थी। मीडिया के सामने युवती ने रोते हुए बताया कि सरपंच पति ने मुझे नौकरी से भी हटवा दिया। दोनों पक्षों की शिकायत की विवेचना के बाद वैधानिक कार्यवाही पुलिस करेगी। दोनों पक्षों की शिकायत के बाद बड़वा कस्बा ग्राम पंचायत में राजनीति भी शुरू हो गई है। खरगोन से ब्यूरो रिपोर्ट। आईएसपी ऑफिस पहुंचे हैं, यहां पर परिवार के साथ पहुंचे, क्या मामला है आपका? मैं बड़वा कस्बा रहती हूं, मैं वहां पे कस्बा पंचायत है, वहां पे कंप्यूटर ऑपरेटर हूं। मैं 25 तारीख को जो वहां के सरपंच जी है, उनके चेतना पाटीदार जी, उनके हस्बैंड जो है, उनने मेरे साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश करी है। मैं उस दिन कंप्यूटर ऑपरेटर वहाँ पे काम कर रही थी, मैं मेरा सिस्टम पे वर्क कर रही थी। वो भैया आए सरपंच जी और बोले कि आप पंचायत बंद करो। तो मैंने कहा ठीक है भैया। इतने में उन्होंने 2 खिड़कियाँ थी वो बंद करी उन्होंने और बोलते कि चलो अब। तो मैं निकलने लगी, इतने में मेरा उल्टा वाला हाथ पकड़ लिया उन्होंने और मेरे को उनके करीब करने की कोशिश करी। मैंने उनका हाथ झटक दिया और मैं भगने की कोशिश करी, हमारे इसमें बीच में झीना झपटी हुई और उसके बाद मैं उनको धक्का देके मेरे घर चली गई। मेरे घर में कोई करने वाला नहीं है, मैं एक व्यक्ति अकेली करने वाली हूँ। मेरी मम्मी है और सिर्फ मैं हूँ, और कोई भी नहीं, ना मेरा भाई है ना मेरा पापा है, मैं अकेली लड़की हूँ करने वाली। मेरे घर में मैं अभी लोन लेके मैं घर बना रही हूँ जैसे तैसे करके, वो नौकरी का ही सहारा था। उसके बाद में कहीं गए थे? हाँ, उसके बाद में मैं अभी आज मैं थाने गई थी मैं वहाँ से आने के बाद में मैंने हाथ की नस काट ली थी। मैं इतने डिप्रेशन में आ गई थी कि हाथ की नस काट ली थी मैंने। उसके बाद में हमारे उप सरपंच जी का इनका सपोर्ट मिला मुझे और मैं थाने पे गई उनके साथ में। तो सुबह 10 बड़वा थाने पे गई थी मैं, सुबह 10 बजे से मैं थाने पे बैठी हूँ पर मेरी कोई भी सुनवाई नहीं की गई, कोई भी बात नहीं गई। और मैं अभी 3:30 बजे तक भी कुछ नहीं हुआ हमारा, हम बस हमसे पूछताछ हो गई, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ हमारा। अब मेरे को बस इंसाफ चाहिए, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे को बस इंसाफ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो आपने सुसाइड करने का प्रयास किया था? जी सर। क्या नाम? चलो मोबाइल पे ये आप भी पहुंचे हैं पीड़िता के साथ, तो क्या कहना जी सर? ये हमारे पास मदद के लिए आई कि मेरा कोई नहीं है घर में, से अकेली है, ना पापा है ना भाई है हमारे साथ, मेरे पास आई मदद के लिए। तो मैंने बिल्कुल आगे कदम बढ़ाया, उसको समझाया, हिम्मत दी, उसको थाने ले गई, रिपोर्ट लिखाई। सुबह 10 बजे से हम गए, शाम को 4 बज गई वहाँ से। जो सरपंच है उनकी बहुत अच्छी, मतलब पीछे बड़ों बड़ों का हाथ है, उनने बिल्कुल टाला मटोरी करी, 4 बजा दी, कुछ भी कार्रवाई नहीं करी कि कहीं ये। और वो मेडिकल भी करा, उसका जो वहाँ अस्पताल से कागज मिलता था वो भी तक भी जिसने बयान लिया था वो तो उसको गायब भी था, वो तो पता ही नहीं था, कहाँ फोन लगा के परेशान हो गए। ठीक है, सरपंच पति भाजपा के नेता हैं क्या? नहीं, नेता नहीं है, सिर्फ सरपंच है, उसके पीछे हाथ है, अध्यक्ष जनपद अध्यक्ष वहाँ के जो बड़े बड़े हैं उसके पीछे उसका हाथ है। तो वो फोन लगा के दबाव डाल रहे, तो हमारी रिपोर्ट वहाँ लिखी ही नहीं रही थी। बच्ची ने हाथ काट लिया? हाँ, ये बच्ची ने फिर इसको समझाया करा, इनने बोला नहीं, अंदर ही अंदर घूमती रही, फिर इनने है ना उसके दोनों हाथ की नसें काट ली। फिर उसको अस्पताल ले गए, 2 दिन एडमिट रही और फिर आया बयान लेने पुलिस वाला, तो जैसे तैसे बयान क्या पता क्या क्या ले गए, और फिर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। वो बयान खरगोन का एक लिया है, खरगोन रिपोर्ट लिखवाने आए सर, एसपी साहब से मिलने। हाँ, एसपी साहब से मिलने आए और इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने आए, सरपंच के खिलाफ, राजेश पाटीदार के खिलाफ, कि कुछ कार्रवाई की जाए, बच्ची को न्याय दिया जाए, गरीब घर की बच्ची है। क्या नाम आपका? सुषमा तिवारी, उप सरपंच बड़वा की। महिला थी पंचायत कर्मी, उसको
ने आरोप लगाया है सरपंच पर, सरपंच के पति पर। क्या मामला है सर? उसमें वो यहाँ एसपी कार्यालय पहुंची थी। देखिए, जो पीड़ित महिला है वो बेसिकली टेम्परेरी एम्प्लॉई थी, उसे किसी कारणों से उस काम से हटाया गया था। इसके बाद उसने कल बड़वा थाने में जाके छेड़खानी की रिपोर्ट की है। जिस पार्टी पे आरोप लगाए गए हैं उनके द्वारा भी षड्यंत्र पूर्वक रिपोर्ट कराने के आवेदन दिए गए हैं। दोनों पक्षों की जांच की जा रही है। प्रेमा फेसिया जो महिला की रिपोर्ट थी उस पर छेड़खानी का मुकदमा कायम किया है, क्योंकि दोनों पक्षों की तरफ से इसमें क्लेम और काउंटर क्लेम है। सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करके जो फैक्ट्स आएंगे उसके आधार पर ही आगे कार्रवाई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।